सब्सक्राइब कीजिए टेक बार को और ज्वाइन कर लो हमारी टेक गैंग को, हम क्वालिटी में लीड रखते हैं। हेलो, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक बार। भाई आज मेरे मन में यार ये आया कि एक बहुत ही छोटा सा कंपैरिजन बनाते हैं लोगों के लिए जो भाई फोन खरीदना चाहते हैं, ऑनर 8X या फिर रियलमी 2 प्रो। बस जानना चाहते हैं भाई कौन सा फोन अच्छा है या फिर किस फोन में क्या चीज अच्छी है, और पूरी पूरी वीडियोज नहीं देखना चाहते। तो ये वाली वीडियो यार बहुत ही शॉर्ट रहेगी और आपको पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चीयर्स। चलो भाई आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 12,000 लाइक्स का, देखते हैं कि भाई आप कब तक पूरा करते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा भाई आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा कि कौन सा फोन आपके लिए। मैं नहीं बता सकता कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। चलो यार कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। यार दोनों ही फोन की डिस्प्ले ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर हम बात करूं ऑनर 8X की तो हमें बहुत ही छोटा चिन्ह देखने में मिलता है। अगर आप इसके चिन्ह को किसी भी फोन से कंपेयर करोगे ना तो सबसे छोटा चिन्ह इसका निकल कर आएगा, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है। और वहीं पर अगर हम बात करूं रियलमी 2 प्रो के बारे में तो भाई उसका ना वाटर नॉच बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, काफी अच्छा लुक देता है फोन को। ऊपर से उसमें ईयरपीस भी छुपा हुआ है, सेंसर भी छुपे हुए हैं, और हाँ यार फ्रंट कैमरा भी वहीं पे, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई दोनों ब्रांड ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी और इंटरेस्टिंग लुक देने की कोशिश करी है, तो यहाँ पर आप टाई समझ सकते हो। बट अगर हम बात करूं डिस्प्ले के कॉन्ट्रास्ट के बारे में, सेचुरेशन के बारे में, शार्पनेस के बारे में, तो भाई यहाँ पर रियलमी 2 प्रो जीत जाता है क्योंकि हमारे ऑनर 8X में ना बहुत ज्यादा कंट्रास्ट हमें देखने को मिल जाता है, या फिर मैं कहूँ ना सेचुरेशन बहुत ज्यादा होती है जो कि वीडियो में बहुत अजीब सा देती है। तो भाई यहां पर मेरा वोट जाता है Realme 2 Pro को क्योंकि उसके डिस्प्ले कलर्स मेरे को ज्यादा एक्यूरेट लगे। आगे बढ़ते और बात करते हैं कैमरे के बारे में। मेगापिक्सल के पीछे कभी भी नहीं पड़ता भाई, इमेज प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आजकल। मैं आपको सीधे सैंपल सिखाता हूं, आप खुद ही डिसाइड करना कौन सा कैमरा ज्यादा अच्छा है। अगर मैं अपने ओपिनियन के बारे में बात करूं तो भाई मेरे अकॉर्डिंग Realme 2 Pro बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है, बट ऑनर 8X में अच्छी बात यह है कि बहुत ही तड़कती भड़कती फोटोज देता है। मतलब जो इसका AI वाला फंक्शन है ना वो बहुत ही सैचुरेशन दे देता है आपको फोटोज में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लुक देता है फोटोज को। मतलब ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि भाई आपको तड़कती भड़कती फोटोज पसंद है नहीं। अगर पसंद है तो भाई ऑनर 8X का जो AI वाला फीचर है आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, तो भाई Realme 2 Pro बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है। अगर हम बात करूं फ्रंट कैमरे के बारे में तो भाई Realme 2 Pro बहुत ही बेकार परफॉर्म करता है, उसकी सेल्फी बहुत ही घटिया आती है, व्हाइटिश सी आती है। तो इस बात का ध्यान रखना अगर आपको एक अच्छा सेल्फी वाला फोन चाहिए हो तो भाई ऑनर 8X ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेता है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं वीडियो के बारे में तो भाई ऑनर 8X में ना ही हमें 4K का सपोर्ट देखने को मिलता है और ना ही कोई स्टेबिलाईजेशन देखने को मिलती है। तो यहां पर आप ये समझ लो अगर आपको कोई वीडियो वाला फोन चाहिए तो Realme 2 Pro बहुत अच्छा है, और अगर आपको एक सेल्फी वाला फोन चाहिए तो भाई Honor 8X ज्यादा अच्छा है। अब नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा एंड्रॉइड सिस्टम के बारे में। हाँ भाई मैं जबरदस्ती वाली बात घुसा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर Honor ने सच में बहुत ज्यादा मेहनत करी और अपने एंड्रॉइड सिस्टम को आज ज्यादा स्मूथ बनाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है यार। अगर मैं बात करूँ Realme 2 Pro के बारे में तो भाई उसकी इतना लैगी एक्सपीरियंस है ना, इतनी लैग करती है उसकी UI, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। और अगर मैं बात करूँ UI के फीचर्स के बारे में तो भाई आप कह सकते हो यहाँ पर टाई हो जाता है क्योंकि इतने सारे फीचर्स है दोनों UI के अंदर कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। बट स्टिल मेरे को किसी एक को विनर बनाना हो तो भाई वो Honor 8X होगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। भाई मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लियर विनर है Honor 8X। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी UI में ना बहुत सारे फीचर्स है बैटरी को बचाने के लिए, और ऊपर से उसका चिपसेट है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, शायद इसलिए उसका बैटरी बैकअप ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि Realme 2 Pro का बेकार है, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि Realme 2 Pro भी थोड़ा सा ही नीचे है। बट अगर हम बात करूँ फीचर्स के बारे में तो भाई मेरे हिसाब से Honor 8X बहुत धांसू परफॉर्म करता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर मैं आपको चिपसेट या फिर प्रोसेसर कंपेयर करके तो नहीं बताने वाला, मैं आपको सीधा जवाब देता हूँ। भाई Honor 8X और Realme 2 Pro दोनों PUBG अच्छे से चला देते हैं, आपको स्मूथ परफॉर्मेंस दे देंगे, आप खेल सकते हैं गेम को। हाँ भाई दोनों फोन में हीटिंग इशू आपको देखने को जरूर जरूर मिलेगा। और अगर हम बात करूं AI फीचर्स के बारे में तो भाई दोनों ही फोन में इक्वल देखने को मिलते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग Realme 2 Pro ने ज्यादा अच्छी इंप्लीमेंटेशन की है क्योंकि उसकी रैम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा कमाल की है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में Realme 2 Pro को मैं थोड़ा सा विनर बनाना चाहूंगा क्योंकि स्नैपड्रैगन 660 और ऊपर से Adreno का GPU ज्यादा अच्छे परफॉर्म करता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं डिजाइन के बारे में तो भाई मैं आपको सीधा बताना चाहूंगा, भाई मेरे को Honor 8X का डिजाइन हद से ज्यादा प्रीमियम लगा है। मैं मानता हूं भाई अपना Realme 2 Pro भी बैक पैनल बहुत ही शाइन देता है और ब्लू कलर का ही देता है, बट जो Honor 8X की बात है ना वो मेरे हिसाब से Realme 2 Pro में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमें इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम भी देखने को मिल जाता है। Honor 8X यहां पर बीस्ट है डिजाइन के मामले में। बट हाँ Honor 8X के मामले में मैं आपको एक चीज की वार्निंग देना चाहूंगा कि उसका स्पीकर बहुत ही घटिया है, इनफैक्ट Realme 2 Pro का थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है। तो बाकी अगर मैं बात करूं ओवरऑल डिजाइन के बारे में तो भाई मेरे को Honor 8X का बहुत ज्यादा पसंद आया। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। तो भाई अगर आपकी जगह पे मैं होता तो भाई मैं Honor 8X को पिक करता क्योंकि उसका डिजाइन बहुत अच्छा है और उसका एंड्रॉइड सिस्टम हद से ज्यादा स्मूथ है और फ्रंट कैमरा भी अच्छा है।
और Realme 2 Pro यार मैं जब खरीदते जब मेरे को वीडियोस बहुत ज्यादा बनानी पड़ती है और मेरे को 4K चाहिए होता है और ऊपर से स्टेबलाइजेशन भी, तो यहाँ पर आपके ऊपर सारी चीजें आती है। बट मेरे को स्टिल Honor 8X ज्यादा पसंद आया। तो होप यार आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो प्लीज लाइक करके मेरे को जरूर बताना, सब्सक्राइब करके हमारी टेक गैंग को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।